एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन में सीबीआई की छापेमारी का पूरा मामला आप देखने को मिल रहा है। दुर्गा कॉलोनी में एक घर में छापेमारी हुई थी और अब पुलिस सतर्कता बरत रही है। देर रात सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। फरार अतिरिक्त आयकर आयुक्त के ससुराल में छापेमारी की गई है। अहमदाबाद गुजरात से फरार है संतोष करनानी। आपको बता दें कि यहाँ पर घर में भी छापेमारी की गई है, ससुराल में भी छापेमारी की गई है। 30 लाख रुपए के रिश्वत मामले में टीम की ये छापेमारी देखने को मिल रही है। तो दुर्गा कॉलोनी में एक घर में छापेमारी हुई थी और अब उनके ससुराल में भी छापेमारी की गई है। दुर्गा कॉलोनी में एक घर में यहाँ छापेमारी हुई थी और यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात से संतोष फरार चल रहे हैं। तो 30 लाख रुपए के रिश्वत की बात सामने आ रही है जिसको लेकर के यहाँ छापेमारी की गई। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कुलदीप शर्मा, उनसे जान लेते हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर छापेमारी की बात सामने आ रही है, सीबीआई द्वारा छापेमारी की जा रही है और दुर्गा कॉलोनी में एक घर में ये छापेमारी की गई, पूरी जानकारी क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। बताना चाहूंगा जिस प्रकार से कल सुबह से ही जो सीबीआई जो थी अल सुबह ही वहां पर आ गई थी और लगातार जो है वो खंगाल रही थी और उसके बाद कुछ समय के लिए वो बाहर गई फिर वापस आ गई, तो कल सारे दिन जो है उनके वहीं पे रही और रात को करीबन 2 बजे बताया जा रहा है कि सीबीआई जो है अपनी जांच पूरी कर जो भी है वहां से निकल गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी की या फिर कोई सूचना नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है भी काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ कागजात जो है वो लेकर गई है साथ में और काफी ऐसी जानकारियां सूत्र बताते हैं अभी अंदर घर में काफी जितने भी तहखाने या फिर ऐसी भी चीजें हैं जहां पर कुछ छुपाया जा सकता है उन तमाम चीजों को खंगाला गया और उसके अलावा जो काफी चीजें जो है वो काट काट कर भी देखी गई है। तो काफी उनको दो रात के 2 बज गए थे और बताया जा रहा है 30 लाख का एक मामला था अहमदाबाद में। इनकम टैक्स में अतिरिक्त आयुक्त थे और संतोष करनानी नाम बताया जा रहा है जो यहाँ के दामाद थे, तो उनके जो है फरार वो 30 लाख के रिश्वत के मामले में एसीबी ने जब रेड की तो वहां से वो फरार हो गए थे, उनको भनक लग गई थी और उसके बाद जो है एसीबी लगातार उनको ढूंढ रही थी और एसीबी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करवाया था और उसके बाद जो है वहां पर बवाल हुआ, पूरा मामला जो हाईलाइट हुआ तो फिर एसीबी से मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। तब से लेकर सीबीआई जो है लगातार इस मामले की जांच कर रही है और कल जो है सीबीआई ने यहाँ पर छापेमारी की और छापेमारी में क्या कुछ रहा, हालांकि सीबीआई ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सामने यही है अभी संतोष करनानी जो थे अतिरिक्त आयुक्त तो वो फरार चल रहे हैं। क्या उनके खिलाफ सिर्फ इसी मामले को लेकर आए थे या सीबीआई को कुछ और चीजें, हालांकि जो सीबीआई जो उनके घर में एंटर कर रही थी और बार बार इधर उधर जा रही थी तो उनके एक हाथ में बड़ी लाल रंग की पोटली नजर आ रही थी, उसमें पत्रावलिया थी या फिर जो उसने यहाँ पर रिश्वत की राशियों से कुछ इन्वेस्ट किया है उसके कागजात थे, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, कोई आधिकारिक बयान जो है नहीं आया। जी जी, इस पूरी जानकारी के लिए कुलदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देर रात सीबीआई की टीम जांच कर रही है, फरार अतिरिक्त आकर आयुक्त के ससुराल में छापेमारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ लगभग 30 लाख रुपए की बात सामने आ रही है जिसको लेकर के यहाँ पर छापेमारी की गई, लेकिन अभी फरार की भी बात सामने आ रही है। यहाँ पर ससुराल में उनके छापेमारी की गई और संतोष करनानी जो है फरार चल रहे हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम पूरी जाँच कर रही है और घर को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। तो दुर्गा कॉलोनी में एक घर में छापेमारी हुई थी, हनुमानगढ़ जंक्शन में की पूरी घटना। आपको बता दें कि अहमदाबाद गुजरात से फरार चल रहा है संतोष। तो 30 लाख रुपए के रिश्वत मामले में टीम की छापेमारी देखने को मिल रही है।